हेलो लर्नर्स, वेलकम टू पाथवे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस के बारे में। सो लेट गेट स्टार्ट। लर्नर्स, 6.3 के क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है? सॉल्व द इनइक्वालिटी ग्राफिकली। मतलब इनइक्वालिटी के इक्वेशंस को आपको क्या करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब इससे पहले की एक्सरसाइजेस में भी हमने क्या किया था, इक्वेशन जो इनइक्वालिटी की इक्वेशन दी थी उसे हमने ग्राफिकली सॉल्व किया था। तो यहाँ भी हमें इनइक्वालिटी की इक्वेशन दी हुई है। देख रहे हैं जैसे आप, x जो है ग्रेटर इक्वल है 3 के, y जो है ग्रेटर इक्वल है 2 के। अब यहाँ कुछ इस तरह की इक्वेशन दी होगी आपको, ऐसी इक्वेशन नहीं दी होगी जैसे पहले दी हुई थी आपको कि ये इस तरह से दिया हुआ था। कुछ इस तरह की कोई इक्वेशन नहीं दी होगी। अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग दिया होगा। यहाँ आपको इस तरह से इक्वेशन दी हुई थी। अब आपको इसमें क्या करना है, कॉमन शेडेड पोर्शन जो है उसे शेड करना है। ठीक, पहले क्वेश्चन से मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। सेम सारे के सारे क्वेश्चन जो रहेंगे आपके क्वेश्चन के, वो सारे के सारे एक जैसे रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। अब ग्रेटर और इक्वल का कॉन्सेप्ट जो था वो जो आप लाइन बनाते थे शेडेड वाली और स्ट्रेट लाइन, वो वही रहेगा आपका कॉन्सेप्ट। ठीक, तो यहाँ दोनों में इक्वल इक्वल दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, पहली बात। उसके बाद में दूसरी बात, यहाँ जो हमें दिया हुआ है इसे हम इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले तो x इज इक्वल टू 3 और y जो है वो कितना 2, ये दिया हुआ है हमें। इसे हम ग्राफ पर पहले प्लॉट कर लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक, तो देखिए इसे मैंने ग्राफ पर प्लॉट करना है सबसे पहले x पर और ये y पर, y डैश और ये x डैश। ठीक है, -1 -2 1 2 -1 -2। अच्छा, x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, मतलब x एक्सिस पर 3 जो दिया हुआ है उसे मैं प्लॉट कर दूंगी यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले मैंने उसको प्लॉट किया, सॉरी लर्नर्स, ये थोड़ा सा आपका टेढ़ा बन गया मेरे से। उसके बाद में y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, मतलब y एक्सिस पर 2, तो ये मैं y एक्सिस पर 2। यहाँ तो आपको कोऑर्डिनेट निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सारे के सारे। ठीक है, अब हमें ये देखना है क्या ये जीरो की साइड है या नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0,0 पुट अप करेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि है ना कि ये जो अपने लाइन बन रही है वो किस साइड है, जीरो की साइड है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 0 पुट अप करूंगी। तो 0 कैसे पुट अप करूंगी, नाउ पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी में 0,0 पुट अप करेंगे। तो 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 3, उसके बाद में 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 2। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं है, ये कंडीशन दोनों की दोनों ही एक साथ फॉल्स है। अब दोनों कंडीशन फॉल्स है तो सबसे पहले हम x की जो कंडीशन है, ये वाली जो पहली इनइक्वालिटी की इक्वेशन दी है उसके लिए पहले शेड कर देते हैं। पहले ये लाइन जो हमें दी हुई है उसके लिए शेड करते हैं हम लोग। तो ये 0 जो यहाँ पर हमने पुट किया तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब इस साइड तो नहीं बनेगा ग्राफ, इस साइड बनेगा ग्राफ। तो मैं इसके लिए पहले इसको प्लॉट कर देती हूँ। मैं केवल और केवल पहले इस इक्वेशन पे फोकस कर रही हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब उसके बाद में वाई वाली इक्वेशन को देखते हैं। वाई वाली इक्वेशन ये रही, वाई वाली इक्वेशन भी फॉल्स हो रही है, मतलब 0 के टूवर्ड नहीं है, ये अपवर्ड बनेगी ये भी। तो ये देखिए अपवर्ड बन रही इक्वेशन। अच्छा, ये तो हो गया। अब यहाँ पर कॉमन पॉइंट कहाँ है, दोनों इक्वेशन जहाँ मीट कर रही है वो ये रहा कॉमन पॉइंट। ठीक है, अच्छा कॉमन शेडेड रीजन आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा है। कॉमन शेडेड रीजन ये वाला नहीं लग रहा आपको, ये वाला, ये देखो कॉमन शेडेड रीजन जो है वो ये वाला नहीं लगता, ये देखो ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों की दोनों जो आपकी लाइंस है वो मीट कर रही है और यही पार्ट है जो दोनों लाइंस में कॉमन है, तो हमें यही बस शो करना था कॉमन शेडेड रीजन, तो ये हमने शो कर दिया। तो यही लर्नर्स आपका क्वेश्चन था, इतना ही आपको करना था इस क्वेश्चन में, ग्राफिकली शो करना है और बस यहाँ पर आपको ये सेटिस्फाई कराना है, क्या ये सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। तो ये था ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नाउ सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में लर्नर्स आप देख रहे हैं यहाँ 3 इक्वेशन दी हुई है, दूसरी और
ये दूसरी और तीसरी जो है वो सेम टू सेम अभी हमने जो क्वेश्चन किया सेम वैसे ही वैसे है। उसके बाद में पहली इक्वेशन जो है वो हम इससे पहले की एक्सरसाइज में कर चुके हैं वही है, तो कोई बात नहीं। यहाँ हमारी तीन लाइन बनेंगी, ऐसी कुछ तीन लाइन बनेंगी, उसका कॉमन पार्ट हमें बस शेड करना है इस तरह से। ये तो मैं आपको बस बता रही हूँ, तो जैसा क्राइटेरिया अभी तक फॉलो करते आए वैसा ही करना है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते थे लर्नर्स, 3x प्लस 2y जो लेसर है 12 से। ठीक, यहाँ पर हम क्या करते थे, x में एक बार 0 और y में एक बार 0 रखते थे, तो एक बार x में 0 और एक बार y में 0 पुट करेंगे हम। तो एक बार x में 0 पुट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर इक्वेशन, ये देखिए ये इक्वेशन हो जाएगी, ये यहाँ पर इक्वल का साइन लगाते थे तो ये कितना हो जाएगा 6। ठीक, उसके बाद में एक बार हम क्या करते थे y में 0 रखते थे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x is equals to 12, that means 4 3 जा 12, मतलब ये 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो ये 4 3 जा 12 आ जाएगा, आपका इक्वेशन हो गई आपकी, ये कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास। अब हम यहाँ पर ग्राफ पहले प्लॉट करेंगे, सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं हमारे पास। यहाँ हमें पता ही है कि क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है x is equals to 1 है और y is equals to 2 है, तो इसको एक साथ में लिख ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। 3x plus 2y is equals to 12, उसके बाद में x is equals to 1 और y is equals to 2, ये तीन इक्वेशन है, इन इक्वेशन से हमने कोऑर्डिनेट निकाले हुए हैं, तो हम ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ प्लॉट कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, -1, -2, वैसे माइनस की हमें कोई नीड नहीं है बट फिर भी हम माइनस को ड्रॉ करेंगे। 0.6 दैट मीन्स 0 और y पर कितना है 6, मतलब ये कितना और ऊपर हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा 5 और ये थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा ये 6, तो 0.6 ये यहाँ बन जाएगा, इसको हम दे देंगे 0.6। उसके बाद में ये 0 पे है और ये यहाँ पर y 6, ओके। उसके बाद में x एक्सिस पर क्या है हमारा 4 है, उसके बाद में y पर है 0, ये यहाँ बन जाएगा आपका 4.0। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे जो कि अभी तक करते आ रहे थे, यहाँ इक्वल का साइन है तो इसलिए स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो देखिए इसे मैं ज्वाइन कर देती हूँ, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन बन रही है, इसको सीधा बनाना पड़ेगा लाइन को, डॉट से बनाते हैं इसको, ये देखिए थोड़ी सी मेरी माइन्यूट सी लाइन टेढ़ी बनी है, बट आप ग्राफ कॉपी में से सीधा ही बनाइए विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो ये आपकी बन गई एक लाइन, ठीक है, एक लाइन ये बन गई। अब लाइन में हमें ये सबसे पहले चेक करना पड़ता था इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है जो गिवन पॉइंट्स है उसको, मतलब 0.0 को सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है, और देखते थे हम ग्राफ इस साइड बनता है या उस साइड बनता है, मतलब 0.0 की साइड बनता है या नहीं बनता है। तो वही सो लर्नर्स, मैंने 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 के लिए ये लाइन बना दी है मैंने यहाँ पर, और जैसे कि हम लोग अभी तक ग्राफिकली इसको शो करते थे मैंने उसको ग्राफ से भी शो कर दिया है। ठीक, उसके बाद में यहाँ देखिए मैंने y इज ग्रेटर इक्वल टू 1 जो कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, ये देखिए x इज इक्वल टू 1 के लिए और y इज ग्रेटर इक्वल टू 2 मैंने ऑलरेडी ये लाइन ड्रॉ कर रखी है। उसके बाद में यहाँ देखिए हमें ये पार्ट जरूर लिखना है, उसके बाद में जो हम लिखते थे नाउ पुटिंग 0.0 इन इनइक्वालिटी, जैसे कि हम पता कर रहे हैं यहाँ पर ये इनइक्वालिटी के लिए चेक कर रहे थे हम। अब आपको अगर चाहिए तो आप तीनों इनइक्वालिटी के लिए चेक कर सकती हैं, तो मैं यहाँ तीनों के लिए ही चेक करती हूँ, ये देखिए तीनों के लिए टू चेक वेदर इट सेटिस्फाई और नॉट, और यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है ये चेक करती हूँ। और सिमिलरली यहाँ मैं ये वाली इक्वेशन भी डालती हूँ 3x प्लस 2y, ये ही थी ना इक्वेशन, ये निकली थी तो इसके लिए चेक करेंगे, तो कंडीशन जो आ रही थी वो हमारी टू कंडीशन आ रही थी। तो देखिए इस इन तीनों को, ये एक और ये दो और ये तीन, ये तीनों को देखते हुए हमने क्या करा, ये ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिया इसको। उसके बाद में हमें क्या करना है, कॉमन शेडेड रीजन को शेड करना था, तो यहाँ ये देखिए यहाँ से एक ही है हमारे पास x इज इक्वल टू 1, एक ये y इज इक्वल टू 2 और एक ये हमारे पास इस इक्वेशन से निकल करके जो रिजल्ट आया था वो, तो ये तीनों की तीनों जहां मीट कर रही है, देखिए ये तीनों की तीनों यहाँ मीट कर रही थी, ये कॉमन शेडेड पार्ट आ रहा था इनका, तो मैंने इसको शेड कर दिया। तो लर्नर ये था पूरा का पूरा आपका सेकेंड पार्ट।